समंदर का गर्म पानी बढ़ रहा है एंटार्क्टिक की ओर, भविष्य में बढ़ेगा जलस्तर और डूब जाएंगे तटीय शहर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी दिन ब दिन ज्यादा गर्म होती जा रही है। ऐसा प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि सिर्फ हम इंसानों की गतिविधियों के कारण हो रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के खतरे का नाम दिया गया है। इससे हमारी जिंदगी पर कई तरह से बुरा असर पड़ना शुरू भी हो गया है। अब वैज्ञानिकों को एक और नई बात पता चली है जो कि काफ़ी चिंताजनक है। हाल ही में एक अध्ययन किया गया है समुद्री धाराओं पर। वैज्ञानिकों ने यह ऑब्जर्व किया है कि समुद्र का गर्म पानी पूर्व एंटार्क्टिक में बर्फ की चादरों की ओर बढ़ रहा है। ये गर्म पानी की समुद्री धाराएं ठंडे एंटार्क्टिक में जमी बर्फ को जल्दी पिघलाने का काम करेंगी। इससे दुनिया भर के समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी और तेज होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाएगा और तटीय इलाकों में मानव बस्तियों के लिए खतरा बनेगा। रिसर्चर्स पश्चिमी एंटार्क्टिक में बर्फ की चादरों का पिघलने और इसकी वजह से समुद्र के बढ़ते स्तर के बारे में जानते थे, लेकिन पहली बार पूर्वी एंटार्क्टिक में भी ऐसा होता दिखाई दिया है। इसकी पहले किसी को जानकारी नहीं थी। रिसर्चर्स ने हिंद महासागर में तट से बहुत दूर समुद्र की धाराओं पर स्टडी की। इस जगह को अरोरा सब ग्लेशियल बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। जमे हुए समुद्र का इसका क्षेत्र पूर्वी एंटार्क्टिक के बर्फ की चादर का हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर है। अरोरा सब ग्लेशियल बेसिन समुद्र तल के नीचे है, जिसके गर्म पानी की वजह से पिघलने की अधिक संभावना है। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित स्टडी में बताया गया है कि वैज्ञानिकों की इस टीम ने अरोरा सब ग्लेशियल बेसिन से 90 साल के समुद्री डेटा का विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि 20वीं शताब्दी के पहले समुद्र 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रहा था। 1990 के दशक से यह दर 3 गुना हो गई और हर दशक में इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। तापमान में इस बढ़ोतरी को रिसर्चर्स ने दक्षिणी महासागर के ऊपर बहने वाली तेज पश्चिमी हवाओं को जिम्मेदार माना है। ऐसा संभवतः ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी की वजह से है, जिसके कारण गर्मियों में एंटार्क्टिक की ओर हवाएं चल रही हैं और अपने साथ गर्म पानी ला रही हैं। अभी तक रिसर्चर्स को यही लगता था कि पूर्वी एंटार्क्टिक में स्थित बर्फ की चादर स्थिर है और गर्म पानी से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन स्टडी से पता चला है कि यहाँ भी गर्म पानी का असर हो रहा है। इस क्षेत्र में पानी के तापमान में वृद्धि समुद्री इकोसिस्टम के लिए खतरा बन गई है, क्योंकि यहाँ के समुद्र में पाए जाने वाले जीव ठंडे पानी के आदि हैं। अगर एंटार्क्टिक में बर्फ की चादरों के पिघलने की दर इसी तरह से बढ़ती रही तो इससे समुद्र तल में वृद्धि होगी, जिससे कि निचले द्वीप और तटीय शहर डूब जाएंगे। एक्सपर्ट्स ने इस खोज से पहले ही एक रिपोर्ट में चेताया था कि इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर 1.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। इससे 190 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। दोस्तों, इससे दुनिया भर के कई शहरों में बाढ़ आने का खतरा पैदा होगा। इन शहरों में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक खतरे के सबसे करीब है। अमेरिका का न्यू ऑरलियंस, इटली का वेनिस, इराक का बसरा शहर और हमारे भारत का मुंबई बढ़ते समुद्र जल स्तर की चपेट में आ सकते हैं। हर साल बढ़ते जल स्तर की वजह से इन शहरों को अभी से सिंकिंग सिटीज का नाम दिया जाने लगा है। वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सन 2050 तक मुंबई की 998 बिल्डिंग्स और 24 किलोमीटर रोड समुद्र में डूब जाएंगे। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।